क्या मध्य प्रदेश चुनाव में भी होने वाला है बड़ा उलटफेर? आखिर क्या कहते हैं मध्य प्रदेश चुनाव पर सीक्रेट रिपोर्ट? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर है। बीजेपी जहां लगातार चौथी बार सरकार बनाने की फिराक में है, तो वही कांग्रेस भी इस बार अपने सियासी वनवास खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच चुनाव को लेकर सामने आई एक सीक्रेट रिपोर्ट सूबे में बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान के सामने टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पेश की गई थी। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को करारी शिकस्त मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 230 में से कांग्रेस को 128 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 92 सीटें ही आ सकती हैं। वहीं बीएसपी 6 और एसपी 3 सीटों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट पर जीतती दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार में शामिल किए गए बड़े मंत्रियों के हारने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के करीब 10 मंत्रियों का इस बार चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कई मंत्रियों के टिकट कटने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा ग्वालियर चंबल डिवीजन से होगा, जहां की 34 में से 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिल सकती हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो 23 में से बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 12 सीट मिलने की बात कही जा रही है। विध्यांचल में भी कांग्रेस को 30 में से 18 सीटों पर और बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं। महाकौशल क्षेत्र की 38 में से 22 पर कांग्रेस और बीजेपी को 13 सीट मिल सकती हैं। वहीं मध्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला है, यहां दोनों पार्टी 18-18 सीट जीत सकती है। वहीं किसान आंदोलन से प्रभावित मालवा निर्माण इलाके में कांग्रेस को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, यहां कांग्रेस 34 और बीजेपी 32 सीट जीत सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।